दीदी का तो ये जाना सनम। I've never heard a song title said so musically before. अब वहाँ पे जाओगे गाएंगे। जाना सनम। प्यार होता है दीवाना सनम। Come, tell us, what are you going to sing? तुझे देखा तो ये जाना सनम। Sing that. तुझे देखा तो ये जाना सनम। प्यार होता है दीवाना सनम। Wow. अब यहाँ से कहाँ जाए हम? तेरे बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम? तेरे बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। सीताश्री, how old are you? I am now only 6 years. You're only six years. But Vishal, इसका expression कितना कमाल है ना यार. Expression, her sticking to the rhythm of the song and passion of singing. And the way you're singing is so Thank beautiful. Thank you. So Be beautiful. Nice. Thank you. You learn how to sing? No, my mother teaching me songs. Okay. And my masters teaching me. सुश्रीता पाणिग्राही। कहाँ से आए हो आप? संबलपुर से, ओडिशा के। वाह, इतने दूर से, ओडिशा से। कैसे आए यहाँ तक? ट्रेन से। वेरी गुड। गाना पसंद है आपको? हाँ। कितना पसंद है? बहुत। और आप गाना सीखते हैं? हाँ, 3 महीने हुए। 3 महीने? वाह, इंटरेस्टिंग आंसर। 3 महीने। आपकी उम्र क्या है वैसे? 10+। मतलब 32 के आसपास। 10 प्लस तो कुछ भी हो सकता ना। 10 के कितने प्लस आपने बोला? 11 इयर्स। 11 इयर्स। अच्छा, आपके साथ में कौन आए? मेरे पापा आए। पापा आए हैं। क्या गाना गाने वाले हैं आप? मैं तैनु समझावा। ओके, सुनाइए। मैं तैनु समझावा कि ना तेरे बिना लगता जी। मैं तैनु समझावा कि ना तेरे बिना लगता जी। तू के जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा। तू दिल तू ही जान मेरे। मैं तैनु समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। मेरे दिल चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा। तू जो मेरे नाल तुरे तो तुर पे मेरी असा। जीना मेरा है गुण है तेरा के मकरा। तू करे अतवार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा। तू दिल तू या जान मेरे, जान मेरे। मैं तैनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। आप मुझे एक चीज बताइए। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। आपने संगीत सिर्फ 3-4 महीने पहले क्यों सीखना शुरू किया? नहीं, मैं इंदौर से आई हूँ। मेरी एज 14 इयर्स है और मुझे आप तीनों बहुत अच्छे लगते हो। बस, और कुछ बताइए ना आपके बारे में। मतलब जैसे मुझसे अभी बहुत लोग पूछ रहे थे, अगर आप सिंगर नहीं बन पाए, सिंगर नहीं बन पाई तो आप क्या बनोगे, क्या बनोगे? अगर मैं सिंगर नहीं बन पाई तो मैं एंकर बनना पसंद करूंगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं सिंगिंग की फील्ड से हमेशा जुड़ी रहूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एंकरिंग करूँ। तो जैसे कि अब आशा जी जैसे इधर बाहर मुझे मिली जी, हाँ। तो उनको अब जैसे वो बाहर खड़ी है भलाई, लेकिन उनको सारे गाने सुनने को मिल रहे लेकिन उनको सारे गाने सुनने को मिल रहे और वो आपके साथ भी रह रही, मतलब एक ऐसा हो जाता है ना कि जी, आप बड़े। तो
कनेक्शन है एक बहुत बड़ा और बहुत right, बड़ा कनेक्शन right, right. तो इसलिए मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री भी बन सकती है। आपको कैसे पता? मुझे पता सब पता हो जाता है। बताइए इस एंबिशन के जब मैं छोटी थी ना तो मेरी इच्छा थी कि मैं जज बनूं। अच्छा बट एक्चुअली हुआ क्या कि पढ़ाई भी उस हिसाब से करनी पड़ती है। हाँ जज बनने के लिए पढ़ाई तो करनी हाँ वही प्रधानमंत्री के लिए नहीं लेकिन जज के लिए तो करनी पड़ती है। मतलब फिर मैंने सोचा इंडियन आइडल जूनियर्स में जाऊंगी। ये हुई ना बात, आप आ गए आप यहाँ पे। और कुछ बोलना है? नहीं मैं बहुत बोलती हूँ, सब लोग बाहर भी बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? कुछ अभी तो शुरू अभी तो शुरुआत अभी तो आई हुआ। हम तो रुके हुए कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, आप तो बता ही नहीं रही। कुछ बता ही नहीं रही। और आप कह रही हैं कि आपको शायद एंकर भी बनना है, तो ये तो बनता है कि आप बात करें हमसे। हाँ करेक्ट है। तो और कुछ कहना है आपको? नहीं अब मैं पहले गाऊंगी फिर बोलूंगी। गुड आइडिया। बी फ्लैट मेजर। जी मेजर। रेनु आन मिलो सजना सजना रे आन मिलो सजना सजना रे आन मिलो सजना सजना रे आन मिलो सजना अखियों में ना आए आए निंदिया मुँह ना भाए काजल बिंदिया सुना पड़ा अंगना अंगना सुना पड़ा अंगना रे अंगना रे आन मिलो सजना सजना रे आन मिलो सजना सजना रे आन मिलो सजना। जितना आपने अपने बारे में बताया ना कम ही बताया क्या? नहीं मेरी तो ख्वाहिश ये है कि जितना आपने अपने बारे में बताया उतना लंबा अगर आप गा देती ना तो दिल और भी खुश होता। गाओ गाओ नया पुराने नया। में लाइट नया। अच्छा आप गाने बनाती भी हैं आपने बोला था। जी हाँ एक मेरी बहुत छोटी सी या बड़ी कह लो बहुत बड़ी मेरी ख्वाहिश है मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। मैं चाहती हूँ पिछले राउंड में विशाल शेखर सर थे। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है एक मैंने बहुत कोशिश करी एक गाना एक सॉन्ग बनाने की और वो मैं चाहती हूँ कि आप उसके अंदर कुछ इम्प्रोवाइज करें और मैं आके स्टूडियो में आके उस सॉन्ग को रिकॉर्ड करूं। पहले सुन तो ले। हाँ गाना सुने। जी एफ शार्प मेजर। नहीं पर मुझे बहुत तकलीफ हो गई है। नहीं मेरा ऐसा कहने का मतलब मैं निकल जा रहा हूँ। नहीं 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 मतलब मैं ये नहीं होगा नहीं चलेगा ही नहीं ये मैं सही नहीं सुन गलत है गलत है गलत। अरे डोंट वरी मजाक कर रहा हूँ। ओके लिसन आप थोड़ा बहुत मैं भी बात कर लूँ तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ थोड़ा बहुत मैं भी बात कर लूँ तो क्या फर्क पड़ता है? इतनी बात बात करिए। नहीं नहीं आप सर इस शो में इनके अलावा किसी के बात करने की जगह नहीं है। सही है आप बताइए। एफ शार्प में सर। पल कोई हो तुम रहना साथ पल कोई हो तुम रहना साथ बातें हो या रातें तुम रहना पास बातें हो या रातें तुम रहना पास वो बातें थी गजब सी वो बातें थी गजब सी वो रातें थी अजब सी हम दोनों के बीच कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है। Wow.
बहुत बहुत गहरी है साक्षी होल्डकर, आप स्कैम हो, आप बहुत बड़ी स्कैम हो। ये क्या है आपने बनाई? सच्ची जी? प्रॉमिस? या प्रॉमिस। आगे करेक्ट करेक्ट आगे वेरी गुड। वो बातें, अच्छा उसके आगे का जो भाग आता है जहाँ पे चेंज होता है वो बातें, ये नोट करियो वो नहीं ये। अच्छा उसके बाद क्या आता है? वो बातें थी गजब सी, वो रातें वो थी गजब सी। गाओगे तो अच्छा लगेगा जो सलीम बोल रहे हैं ना। वो बातें थी गजब सी। फिर आगे हम दोनों के बीच। वाह रियली नाइस। लेट्स डू दिस टुगेदर। फिर से गाते हैं, पूरा गाते हैं फिर से। या और एक बार गाइए यहां से 1 2 3 4। कोई हो तुम रहे ना पास, बातें हो या रातें तुम रहे ना पास, कोई हो तुम रह ना पास, बातें हो या रातें तुम रह ना पास, वो रातें थी गजब सी, वो बातें थी गजब सी, हम दोनों के बीच। वेरी गुड वेरी गुड। साक्षी जी आप जब अंदर आई आपने 150 किलोमीटर लंबी अपनी इंट्रोडक्शन दी, फिर आपने गाना भी अच्छा गाया और गाना लिखा भी अच्छा है, और आपने फिर गाना कंपोज भी किया, तो इसका मतलब आप बहुत बड़ी स्कैम हो, क्योंकि हमको तो लगा आप फ्रॉड हो, और आप एक्चुअली बहुत अच्छी म्यूजिशियन हो। थैंक यू। आपके कंपोजिशन के हिसाब से आपको कार्ड मिलना चाहिए, लेकिन और आपको एक्चुअली बनना है प्रधानमंत्री। आपने कहा मुझे प्रधानमंत्री कहा आपने, कुछ नहीं बनना। या एंकर? एंकर क्या बनना, क्या आपको सिंगर, प्लेबैक सिंगर? गाइस कुछ नहीं किया जा सकता इनका, सिर्फ टिकट देके इन बस दुआ मांगते ऊपर वाले से, मांगते कि अगली बार इंट्रोडक्शन थोड़ी छोटी हो, बस दुआ मांगते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।